नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान है और एक बार फिर आपका स्वागत है केयर फॉर ऑल में। तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू कि आपके कारण हमारे चैनल केयर फॉर ऑल, आपका चैनल को करीबन 1.5 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं और करीबन 150 से 200 सब्सक्रिप्शन डेली हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, मैं जो बता रहा हूँ, हमारे जो रिसर्च है वो आपको पसंद आ रही है, आप देख रहे हैं, तभी हमारी ग्रोथ हो रही है, हमारी ग्रोथ आपसे जुड़ी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा चैनल देखने के लिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। इसी तरह आप अगर करते रहेंगे तो हमें और मोटिवेट होगा, इंस्पायर्ड होंगे और हम और वीडियो लेके आएंगे। तो आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आया हूँ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूँ, जो कि आज बहुत चल रहा है आज की जनरेशन में। शायद मैं भी खाता हूँ, आप भी खाते हो उस प्रोडक्ट को। आपने सुना होगा कई महीने पहले एक ब्रांड है मैगी, जो कि कंपनी नेस्ले का ब्रांड है, वो बैन लग गया था क्योंकि उसमें कुछ मिनरल्स या कुछ टॉक्सिस केमिकल पाए गए थे जो अपनी हेल्थ के लिए खतरनाक थे। तो उस समय बाबा रामदेव ने मौका नहीं छोड़ा, एक रामबाण छोड़ा, जिसे एक नया प्रोडक्ट निकाला, वो है पतंजलि आटा नूडल्स। मैं आज आपको ये दो प्रोडक्ट, पतंजलि आटा नूडल्स और मैगी की जो आटा नूडल्स, इन दोनों प्रोडक्ट को मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट करते हैं। जाहिर सी बात है, ये हेल्थ का चैनल है तो हेल्थ के लिए दोनों क्या कॉन्शियस है, हेल्थ के लिए क्या हमें मदद करते हैं, इन दोनों का हमारी हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है, इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है, हम इसको कंपेयर करेंगे। देखिए, आपने बहुत सारे वीडियोस या ब्लॉग्स पढ़े होंगे, यूट्यूब्स पे, गूगल्स पे, हर जगह कुछ ना कुछ बातें लिखी इन दोनों के लिए, और कुछ तो पेड कंटेनर, मतलब मैगी वालों ने किसी को पैसे दिए तो वो उसकी तारीफ कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, मुझे नहीं लगता बाबा रामदेव ने पैसे देंगे क्योंकि ये बहुत चल रहा है। तो कोई अच्छा कह रहा है, कोई बुरा कह रहा है, तो मैं आप टोटल इसको कंपेयर करके बताऊंगा फिजिकली और इसके अंदर जो साइंटिफिकली आपको क्या बॉडी पे इफेक्ट करते हैं वो सब मैं बताऊंगा और एक स्केल दूंगा। मैं 6 पॉइंट इसमें निकाल रहा हूँ हमारे इस दोनों आटा नूडल्स में, और हम कंपेयर करेंगे 6 पॉइंट से कि दोनों में कौन सा बेस्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ कंपेयर करेंगे इन दोनों ब्रांड के कि ये कौन सा ब्रांड है, इंडियन है कि फॉरेन ब्रांड है, इनकी प्राइस, इनकी वेट, इनकी आटा क्वांटिटी, इनके अंदर न्यूट्रिशन क्या है और इन दोनों का लास्ट टेस्ट। जी हाँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रांड की। ठीक है, तो ये जो मैगी है ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है, फॉरेन ब्रांड है, जो कि स्विट्जरलैंड में बनता है और वहाँ के लोग हमारे यहाँ इंडिया में प्लांट लगा के बिजनेस कर रहे हैं, और हमारे जो पतंजलि है ये हमारे इंडिया में ही बनता है। तो ये एक फॉरेन ब्रांड है मैगी और ये एक इंडियन ब्रांड है। तो अब बात आते हैं इन दोनों में से पॉइंट किसको मिलेगा। जाहिर सी बात है, वी आर इंडियंस, तो हम इंडिया को पॉइंट देंगे। क्यों? क्योंकि कोई कंपनी बाहर से यहाँ सेटअप कर रही है तो जाहिर सी बात है वो पैसा बाहर ले जाएगी, तो इसके जो 50-60% अमाउंट आप जो, तो मान लो अगर आप 100 रुपये का कुछ खरीदते हो आइटम नेस्ले का या मैगी का, तो उसमें से 50 से 60 रुपीज़ वो बाहर ले जाते हैं क्योंकि बिजनेस करना है। और यहाँ अगर आप पतंजलि का अगर आप खरीदते हो प्रोडक्ट या दूसरा भी कोई इंडियन प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसका 100% पैसा इंडिया में रहता है। क्यों? क्योंकि ये आप खरीदा, टैक्सेस पूरा इंडिया में देंगे, मैगी भी टैक्सेस देगी, बट इसमें जो प्रॉफिट होगा और जो रॉ मटेरियल लगेगा वो हमारे किसानों को पैसा मिलेगा, तो 100% पैसा ही इंडिया मिलेगा। तो यहाँ पॉइंट मिलता है इंडिया को, जाहिर सी बात है ब्रांड के प्राइस। दूसरी चीज जो हम कंपेयर करेंगे वो है प्राइस। ठीक है, तो यहाँ जो पतंजलि का प्राइस है वो है 15 रुपए का, ठीक है, और जो मैगी का प्राइस है वो है 20 रुपए का। ठीक है, तो यहाँ ये मैगी ये 20 रुपए महंगा है और पतंजलि उससे 5 रुपए सस्ता है। तो ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारे इंडिया में जो देसी चीज़ होती है, देसी अंडा हो या देसी घी हो, वो महंगा है, लेकिन यह पतंजलि नूडल्स देसी वो सस्ती है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो जाहिर सी बात है, हम इंडियन से और हमें सस्ती चीज़ पसंद है। मैं अभी दूसरी जो टर्म्स है उसको कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, इवन प्राइस वाइज देखें तो हम चाहते हैं कि सस्ते में मिले, तो यहाँ भी एक पॉइंट मिलता है हमारे पतंजलि नूडल्स को। थर्ड जो बात आती है वो है इसका वेट। ठीक है, तो हम वेट कंपेयर करें तो मैगी का जो वेट है वो है करीबन 80 ग्राम, ठीक है, और जो पतंजलि नूडल्स का वेट है वो करीबन 70 ग्राम। ठीक है, तो अब पतंजलि, अब इस दोनों में से बेस्ट कौन सा है? ठीक है, हमारे पतंजलि 15 रुपए का है और वो 70 ग्राम के आसपास हमको वेट दे रहा है, और जो मैगी नूडल्स है वो है 20 रुपए का और वो हमको वेट दे रहा है 80 ग्राम। तो यहाँ पॉइंट किसको मिला? यहाँ पॉइंट मिला दोनों को। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, आप 5 रुपए ज्यादा दे रहे हैं तो आपको 10 ग्राम वेट ज्यादा मिल रहा है मैगी में, और आप 5 रुपए कम दे रहे हैं तो आपको 10 ग्राम वेट कम मिल रहा है आपको पतंजलि नूडल्स में। तो यहाँ दोनों ही की पॉइंट मिली है, तो दोनों को यहाँ मिलते हैं एक एक पॉइंट। तो जाहिर सी बात है, दोनों वेट के मामले में ठीक है,
विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये कह रहे हैं कि आटा नूडल्स है, तो इसमें आटा की क्वांटिटी क्या, क्या वाकई पूरा आटा है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि मैगी के अगर देखें हम, तो मैगी में इन्होंने लिखा है इंग्रेडिएंट्स में कि आटा लिखा है इन्होंने 85%, मतलब इसमें 85% आटा है। तो जाहिर सी बात है जो 15% है वो मैदा ही है, ठीक है, ये इन्होंने लिखा है। तो ये मैगी जो है वो 100% नूडल आटे की नहीं है, ठीक है। और यहाँ दूसरी बात आती है पतंजलि की, तो इसमें इन्होंने इंग्रेडिएंट में लिखा है व्हीट फ्लोर, ठीक है, व्हीट फ्लोर मतलब गेहूं का आटा। और एक और मैं आपको बात बता दूं कि आपने दूसरी वीडियोस देखी होगी पुराने की पतंजलि में, इसमें रिफाइनिंग इसके अंदर मैदा भी मिला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ महीने पहले पतंजलि पे भी कुछ केस हुआ था, और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट मिलाए गए थे कि यार आप तो बाबा रामदेव जी वो नेचुरल की बात करते हो तो इसमें मैदे कहते हैं वो बुरा है, उसमें मैदा क्यों मिला। तो इन्होंने फिर इसकी रिसर्च करी, और आपको मैं यह बताना चाहता हूँ, आप ये दोनों लेवल देखिए, यहाँ जो दोनों लेवल है इसमें इन्होंने साफ लिखा है कि एक पुराना लेवल है और एक नया लेवल है। पुराने जो लेवल है उसमें इन्होंने लिखा है फाइंड व्हीट फ्लोर, ठीक है, इन्होंने पुराने में लिखा है, और नए में लिखा है व्हीट फ्लोर। तो जाहिर सी बात है पहले जब आता था पतंजलि नूडल्स तो उसमें मैदा था, और अब जो नया आता है पतंजलि नूडल्स उसमें मैदा बिल्कुल नहीं है। तो 100% आटा है पतंजलि नूडल्स में, और केवल 85% आटा है मैगी नूडल्स। तो यहाँ एक और पॉइंट मिलते हैं पतंजलि नूडल्स को, क्योंकि इसमें 85% आटा है। तो ये अब बता रहे हैं कि इसमें वेज आटा नूडल्स है, तो जाहिर सी बात है आटा तो होगा लेकिन इसमें आटा पूरा नहीं है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट हम इसके बात करेंगे न्यूट्रिशन की, ठीक है। तो न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं इसमें, तो चलिए हम इसमें देखते हैं इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू। इसमें लिखा है न्यूट्रिशन वैल्यू दोनों की, एनर्जी करीबन मैगी में 408 है, इसमें 485 है, और प्रोटीन इसमें 9.3 है, इसमें 10 है, मतलब पतंजलि में जितने भी न्यूट्रिशन देख रहे हैं वो थोड़े ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये 100% आटा है, और ये जो नूडल्स है अपनी मैगी की, ये 100% आटा नहीं है, 85%, बाकी 15% इसमें मैदा मिला है। तो जो न्यूट्रिशंस होने चाहिए एक बोल वीट में गेहूं के आटे में वो पूरे नहीं है मैगी में, पतंजलि में। दूसरी बात आप यहाँ देखी होगी कि इसका जो वेट है वो कम है, इसका वेट है वो ज़्यादा है। वेट कम होने के बाद भी इसमें न्यूट्रिशन ज्यादा है, और इसका वेट ज्यादा होने के बाद भी न्यूट्रिशन कम है, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, जब आप 10 ग्राम बढ़ा रहे हो तो न्यूट्रिशन वैल्यू भी जाहिर सी बात है बढ़नी चाहिए, पर न्यूट्रिशन इतना क्यों नहीं आ रहा। अब ये तो शायद आप मैगी में कॉल करके पूछ सकते हैं इन्होंने ये बात क्यों छुपाई है, या ऐसा क्या है इसमें, तो ये तो हमें नहीं पता। और एक और दूसरी बात, इसमें सब चीज पतंजलि में जो न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन लिखी है इसमें सब चीज लिखी है, एनर्जी लिखा है, प्रोटीन लिखा है, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, फैट, फैट जितने टाइप के होते हैं वो सब लिखे, उनकी क्वांटिटी लिखी है, कोलेस्ट्रॉल लिखा है, फाइबर लिखा, आयरन लिखा, सोडियम लिखा। और एक और बात बता दूं आपको कि कुछ महीनों पहले पतंजलि नूडल्स में भी एक और केस लगा था, ये एक और बात सामने आई थी कि न्यूट्रिशन जो है पूरे नहीं है, तो इसमें इन्होंने बाद में सोडियम भी लिखा है, पहले सोडियम नहीं लिखा हुआ था, आयरन सोडियम जो मिनरल्स ये नहीं लिखा हुआ था, जिसके कारण एक सस्पेंस हो गया था क्या ये हेल्दी या नहीं है। तो इन्होंने अब सोडियम भी लिख कर रखा, क्योंकि सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्ट हमारे बॉडी के लिए, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ज्यादा सोडियम हो जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, कम हो जाए तो हमारा ब्लड प्रेशर कम करता है, ये पानी को भी कंट्रोल करता है, और इससे किडनी में भी प्रॉब्लम हो सकती है सोडियम की क्वांटिटी कम ज्यादा होने से, इसलिए सोडियम की क्वांटिटी इन्होंने बताई है, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज, यहाँ मैगी ने कुछ भी नहीं बताया सोडियम कितना है, बस फैट बताया, मिनरल्स बिल्कुल नहीं बताई। तो मेरा कहना ये है, आप भी सोचिए कि अगर ये हेल्दी है और इसमें जो मिलाया है वो डेली रिकमेंडेड से सही है, जितना होना चाहिए उतना है, पर अगर सही है तो आपने लिखा क्यों नहीं, आपने इसमें बताया क्यों नहीं, तो ये बात गलत है। इसलिए न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो दोनों ही सही है, लेकिन इसमें पॉइंट मिलता है पतंजलि नूडल्स को, क्योंकि इन्होंने 100% जो चीज़ मिलाई है वो चीज़ लिखी है। तो ये न्यूट्रिशन के मामले में पतंजलि इसको एक पॉइंट मिलते हैं, और न्यूट्रिशन इसमें होने के बावजूद भी इन्होंने नहीं शो करा, तो क्या कारण ऐसा शो नहीं करा, तो ये इनकी गलती है, और इससे एक क्वेश्चन मार्क आता है, इसलिए इसको मिलते 0 पॉइंट और पतंजलि को मिलते एक और पॉइंट। अब बात फाइनल आती है इन दोनों के टेस्ट की, कि इन दोनों के टेस्ट के साथ, तो मैंने दोनों ही खाई है, आपने भी खाई होगी शायद। तो पतंजलि से पहले मैं बात करना चाहता हूँ मैगी की, जो मैगी नूडल्स है
इसमें एक आपने देखा होगा, आप मैगी आटा नूडल्स खाइए, नॉर्मल मैगी की नूडल्स खाइए या ओट्स नूडल्स खाइए मैगी की, उन तीनों में एक कॉमन फ्लेवर आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए, दूसरे इंग्रेडिएंट्स इसमें मिलाए गए मसाला टेस्ट मेकर के लिए, टेस्ट मेकर के लिए इन्होंने इंग्रेडिएंट्स मिलाए, काफ़ी सारे वेजिटेबल्स, ड्राइड वेजिटेबल्स मिलाए, जिंजर मिलाए, वो सब ही मिलाए, वो दोनों में मैक्सिमम ही क्वांटिटी है, और कुछ स्टेबलाइजर भी मिलाए, वो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें इन्होंने टेस्ट के लिए, जाहिर सी बात है तीनों में कॉमन टेस्ट आ रहा है, तीनों जो मैगी के तीनों प्रोडक्ट है, ओट्स और नॉर्मल और आटा है, इनमें कॉमन टेस्ट आ रहा है। वो क्यों? क्योंकि क्या होता है, इनकी कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट रेसिपीज होती है, वो बताते नहीं है, वो एफडीए अप्रूव्ड है, एफडीए अप्रूव्ड है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो बताते नहीं है। तो इन तीनों में जो टेस्ट है वो कॉमन ही आएगा, बस फर्क इतना है कि ये आटा है 85%, तो थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, पर मेरे हिसाब से आप तीनों खाए, एक एक बार बनाए, तीनों में आपको टेस्ट में कोई भी डिफरेंट नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने जो इनमें टेस्ट के इसमें जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिला है वो बरकरार रखा है, तो उसके कारण ये टेस्ट के लिए बेहतर है। पतंजलि आप जब खाते हो, आपने देखा होगा, या आप ध्यान रखना, या आप लेके आए तो इसमें आप नूडल्स जब पानी में डालते हो और उसको थोड़ी उबालते हो ना, तो उसका लेने के बाद उसमें थोड़ी आटे की स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि 100% आटा है, और खाने के बाद भी इसमें मसाला इतना चटपटा नहीं है, तो जब आप इसको खाते हो तो ये नॉर्मल लगता है, क्योंकि बाबा रामदेव जाहिर सी बात है आयुर्वेदिक को नेचुरल चीज पे भरोसा करते हैं, ज्यादा चटपटा और तीखा चीज नहीं रखते, लेकिन उन्होंने थोड़ा रखा है जितनी खानी चाहिए। टेस्ट में इसलिए मैगी को मिलते हैं यहाँ एक और पॉइंट, और नूडल्स पतंजलि को नहीं मिलते हैं। तो अब टोटल पॉइंट देखिए इन दोनों में से जीता कौन, ठीक है। तो यहाँ जो पतंजलि नूडल्स को उसको मिलते हैं 6 में से 5 पॉइंट, और यहाँ मैगी उसको मिलते हैं 6 में से 2 पॉइंट, तो जाहिर सी बात है यहाँ जीत हुई पतंजलि की। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे ये हम क्यों खाए, हमें तो मैगी पसंद है। देखिए मैं बता दूं, मैगी जो है केवल वो टेस्ट का धोखा है, आपको टेस्ट अगर पसंद है तो आप मैगी खाइए, अगर आपको हेल्थ और थोड़ा बहुत टेस्ट में आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो आप पतंजलि खाइए। केवल टेस्ट ही एक ऐसी चीज है जिसके कारण आप हेल्थ को बिगाड़ सकते हैं। तो वैसे तो इंस्टेंट नूडल्स कोई से भी ठीक नहीं होते, चाहे ये पतंजलि का हो या कोई सा भी हो, इंस्टेंट नूडल कभी ठीक नहीं होगे, क्योंकि पैकेज फूड में आते हैं और ड्राइड उसमें वेजिटेबल्स होते हैं, तो अनहेल्दी रहते हैं। आप इसको वीक में एक बार खा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक में एक बार खा सकते हो, वीक में 1 या 2 बार खाना बहुत ही डेंजरस है हेल्थ के लिए। तो आप प्लीज़ अगर आप खाना चाहते हैं हेल्थ के लिए, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे, तो मेरे हिसाब से पतंजलि नूडल्स खाना चाहिए, और अगर आप केवल टेस्ट के लिए खाना चाहते हैं तो आप मैगी आटा नूडल्स खा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इन दोनों का कंपैरिजन, अब आप इसमें मैंने जो पॉइंट्स दे दिए हैं वो मैंने ओवरऑल सब कंपेयर करके दिए, अगर आपको इन पॉइंट्स के अलावा आपको कुछ दूसरे अगर लगते हैं कि नहीं इसमें आटा क्वांटिटी आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग मैगी में ज़्यादा है, खैर इन्होंने बताइए, या इसका प्राइस, वेट, ब्रांड, न्यूट्रिशन अगर आपको लगते हैं मैगी में ज़्यादा है तो वो खा सकते हैं, बट इन्होंने जिस तरह से शो करा है वो गलत करा है, तो इसको यहाँ पर पॉइंट मिलते हैं 0, 5 में से केवल 2 ही मिले हैं, और यहाँ सॉरी 6 में से यहाँ केवल इसको 2 ही मिले, और पतंजलि को 6 में से 5 मिले हैं। तो मुझे नहीं लगता केवल आप 2 पॉइंट के लिए मैगी खाएंगे, केवल टेस्ट के लिए और वेट के लिए, मुझे नहीं लगता वेट कोई बड़ा मायने रखता है, लेकिन टेस्ट मायने रखता है। ये वाकई मैं कहना चाहूँगा कि पतंजलि का टेस्ट थोड़ा ठीक नहीं मैगी से मुकाबले, अगर आप खाएंगे तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बेकार है, बट हाँ है। सो थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा वीडियो देखा, मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा, अलग अलग प्रोडक्ट के साथ आऊँगा, उसका रिव्यू दूंगा और कंपेयर करूँगा एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से। तब तक के लिए बाय बाय, आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर कुछ क्वेश्चन हो आपको रिलेटेड इन दोनों प्रोडक्ट्स के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एक और बार, मैं जल्दी आप मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.